So hey guys, this is Kamil and you're watching Kep Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप अपनी एंड्रॉयड के अंदर एस्थेटिक लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो एस्थेटिक लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप का नाम है कैपकार्ट। तो आपको सिंपली कैपकार्ट को ओपन करना है। कैपकार्ट ओपन करने के बाद आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो चूज़ करेंगे। सो मैंने अपना वीडियो चूज़ कर लिया, आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एस्थेटिक फ़ोटो है तो आप यहाँ से फ़ोटो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एस्थेटिक वीडियो है तो मैंने यहाँ पर एस्थेटिक वीडियो सिलेक्ट कर लिया। अब एस्थेटिक वीडियो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सब देख सकते हो फाइनली हमारा वीडियो आ चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा एस्थेटिक वीडियो है। सबसे पहले आपको इसकी एंड पोजीशन पर आ जाना है स्क्रॉल करके। सो ये हम आ चुके हैं एंड पोजीशन पर, और एंड पोजीशन में बेसिकली इसे आपका वाटरमार्क आता है। तो हमें वाटरमार्क को हटा लेना है इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके, तो वाटरमार्क गायब हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें लिरिक्स लिखना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मिलेगा ऐड टेक्स्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेना है, जूम कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको अपना जो लिरिक्स है वो लिखना है। सो मैं यहाँ पर अपना जो लिरिक्स है उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने अपनी लिरिक्स का जो सबसे पहला लाइन उसको लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है, एड मिलता है टेक्स्ट, आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। एंड आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दिखाया, तो जिसका नाम होगा सिग्नेचर। सिंपली सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है एंड आपकी फ़ोन पर ये टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। सो ये कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो। तो सिग्नेचर फॉन्ट अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा शेडो। सिंपली शेडो के ऊपर क्लिक करना है एंड ब्लैक शेडो को अप्लाई करना है टेक्स्ट की बैकग्राउंड में, और इसका ओपासिटी बिल्कुल कम कर लेना है, सो अराउंड 15%। ठीक है, उसके बाद अभी आपको आ जाना है यहाँ पर, ये जो मिलता है एनिमेशन, सिंपली एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। सो एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एनिमेशन मिलेगा, जैसे कि इन एनिमेशन। तो सबसे पहले इन एनिमेशन अप्लाई करना है। सो मैं आपको दिखाया तो कौन सा इन एनिमेशन आपको अप्लाई करना है, तो ये मिलता है ये वाला। सो आपको वाइप राइट को अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट पर। इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 1.2 सेकंड कर लेना है अराउंड। उसके बाद यहाँ पर आ जाना आउट एनिमेशन पर। सो आउट एनिमेशन पर आने के बाद अगेन आपको जो वाइप जो एनिमेशन उसको अप्लाई कर लेना है। सो मैं यहाँ से वाइप एनिमेशन को अप्लाई करता हूँ। सो ये वाइप लेफ्ट को अप्लाई किया और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 1.2 सेकंड कर लेना है। उसके बाद इसे सिंपली कर देना है डन। तो ये आप देख सकते हो हमारे सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन है वो यहाँ पर आ चुका है, और इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ सेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसका टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। सो मैं इतना रखूँगा हर एक टेक्स्ट का टाइम ड्यूरेशन। अभी हमें क्या करना है, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस टेक्स्ट को कॉपी करके बार बार इसका जो टेक्स्ट उसको एडिट कर लेंगे। तो आपको इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे की तरफ खींच लेना है। उसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप एडिट के ऊपर क्लिक करके इस टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। सो उसके बाद जो भी आपकी सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन वो आपको टाइप करना है। सो उसके बाद सिंपली करते हैं डन। अभी आपको इसमें एनिमेशन वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो सबसे पहला टेक्स्ट है उसके अंदर सारा चीज़ कर लिया था। अभी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट लिखने के बाद सिंपली करते हैं डन। सो हमारे सॉन्ग का जो सेकंड लिरिक्स है, जो सेकंड लाइन, वो भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको अगेन क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है। सो सिंपली कॉपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस टेक्स्ट को आपको आगे की तरफ खींच लेना है यहाँ पर, एंड देन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसे भी आपको एडिट कर लेना है। सो एडिट करके इसको हटा लेना है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर अगेन कर देना है डन। तो डन करने के बाद आप देख सकते हो हमारे इस सॉन्ग का जो तीसरा लाइन वो भी आ चुका है यहाँ पर, काफ़ी शानदार तरीके से,
और यहाँ पर आप बीच बीच में जो टेक्स्ट उसको आप बड़ा कर सकते हो उसका साइज लाइक इस तरीके से। सो अभी दिखाए तो कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। सो अगेन आपको इसे आगे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद इसे भी कर देना है डन। सो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है, आप देख सकते हो। इसको अभी हम थोड़ा से छोटा कर लेते, छोटा करके सेट कर लेते। ओके सो अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। सो मैं अभी क्या करता हूँ, अपने सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से मैं कॉपी करके अपना पूरा लिरिक्स को लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने वीडियो को पॉज कर लिया था और आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का जो पूरा लिरिक्स है उसको लिख लिया। सो आपको भी कुछ इस तरीके से लिखना है, आपको बस एक टेक्स्ट से कॉपी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट को अच्छी तरीके से एडिट कर लेना है, यानी कि उसमें एनिमेशन वगैरह डाल लेना है। उसके बाद उसी टेक्स्ट को आपको बार बार कॉपी करते रहना है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर लिरिक्स वीडियो हमारा एडिटिंग हुआ, एस्थेटिक लिरिक्स वीडियो। सो अभी क्या करना है, जस्ट हमें इसमें एक म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऐड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, या ऐड ऑडियो के ऊपर, एंड यहाँ से साउंड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके तो यहाँ से आपको सिंपली फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से अपनी डिवाइस से अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे। सो जिस भी सॉन्ग का आपने लिरिक्स लिखे हो, तो मैं अपना जो सॉन्ग का लिरिक्स लिखा उसको ऐड कर लेता हूँ, जो कि ये रहा, आप देख सकते हो बारिश बन जाना। सो मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड ये हमारा म्यूजिक आ चुका है, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट करके अपनी पूरी वीडियो पर भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते, एंड ये हमारी पूरी वीडियो पर आ चुका है। सो इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते और इसे ये जो पार्ट है इसको डिलीट कर लेते। सो अभी अगर मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखाऊँ इसे, तो ये कुछ इस टाइप का आपको एस्थेटिक लिरिक्स देखने के लिए मिलेगा। अब देख सकते हो काफ़ी शानदार वीडियो हमारा एडिटिंग हो चुका, हमने काफ़ी इजीली एडिटिंग भी कर लिया। अभी क्या करना है, हमें इस वीडियो को जो है सेव करना है अपनी गैलरी में। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस कॉर्नर पर ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से इसका रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे 1080p, एंड फ्रेम रेट आप यहां से चूज़ कर देंगे 60fps। उसके बाद आप सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से एस्थेटिक लिरिक्स वीडियो एडिटिंग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।